दिस इज ग्रेट. एक काम करते हैं, इस कंपटीशन के आइडिया को कोर टीम के साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. एक्चुअली हेलो मिस्टर कपाड़िया. हेलो अनुपमा. मिसेस शाह. आई एम सो सॉरी, मैं बिना अपॉइंटमेंट के आ गई. वो एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम था. कैन आई जस्ट गेट 5 मिनट्स प्लीज? अगर आप दोनों किसी इंपॉर्टेंट चीज के बीच में हैं तो मैं अनुपमा के सामने भी बात कर सकती हूँ. I just need 5 minutes. किस बारे में बात करनी थी आपको? आपने जो मुझे जॉब ऑफर दी थी ना, उस बारे में. Actually, we are in the middle of something. Let me just finish that and get back to you. In the meantime, आप मेरे कैबिन में वेट कीजिए. I'll be back. Yes, sure. Thank you. Please come. Thanks. ये प्रेजेंटेशन मैंने कल रात को ही तैयार किया है और इस पर मैंने काफी रिसर्च भी की है. मिसेस शाह, आप ये सारी बातें बैठ के भी कर सकती हैं. सो आज इस हवन कुंड में इस आदमी के साथ मेरे परिवार, मेरे बच्चों का रिश्ता तो क्या, जान पहचान भी जल के राख हो गई. लास्ट टाइम यहां आई थी तब भी, और लास्ट टाइम जब एके से मिली थी तब भी सिचुएशन मेरे हाथों से निकल गई थी. लेकिन इस बार कोई गलती नहीं हो सकती. नो अनुपमा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे घर में क्या बातें हुई, पर मेरे सामने भी बहुत बातें हुई, और इसीलिए काव्या से बात करने से पहले मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता था. दरअसल जीके, मेरी टीम और मुझे लगा था कि काव्या हमारी कंपनी के लिए एक एसेट, इनफैक्ट हमें तो लगा था कि मिस्टर शाह भी एक एसेट हो सकते हैं, बिकॉज उन दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और एबिलिटी अच्छी थी. खैर, आई थॉट कि मेरे इस प्रोजेक्ट में देविका, काव्या और तुम मेरी वुमेन आर्मी होगी. अब वनराज की वजह से काव्या को जॉब देना एहसान होता, और उसी वनराज की वजह से काव्या को जॉब ना देना काव्या के साथ नाइंसाफी होगी, और मैं किसी भी हालत में ये दोनों नहीं करता. अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है और मैं किसी भी वजह से तुम्हें कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डालना चाहता. अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना, इसकी बातें करना अलग बात है और इस पे अमल करना अलग बात है. इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि अब ऐसा तो होता नहीं कि जब हम घर से निकलते हैं हम इंसान हैं और ऑफिस पहुंचते पहुंचते हम मशीन बन जाएं. हम होते तो इंसान ही हैं, और इसीलिए इंसानों की बातें, हमारे हालात और हमारी सराउंडिंग्स हम पे इफेक्ट डालते हैं. इट्स प्रीटी नॉर्मल. अनुपमा, मैंने आज तक अपना कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन पर्सनल रीजंस की वजह से ना ही चेंज किया है और ना ही लिया है. इसलिए अनुपमा, इस प्रोजेक्ट में सिर्फ मेरा डिसीजन लेना ये गलत होगा. इट्स नॉट राइट. मेरे लिए प्रोजेक्ट ज़रूरी है और इस प्रोजेक्ट के लिए तुम बहुत ज़रूरी हो, इसलिए डिसीजन तुम्हारा होगा. इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ये सोच लेना कि अगर काव्या हमें इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करती है तो तुम्हें 24 घंटे काव्या के साथ रहना होगा, बिकॉज ऑफिस में भी तुम उसके साथ हो, घर पे भी साथ हो. जस्ट थिंक ओवर इट कि तुम अपनी पर्सनल स्पेस और प्रोफेशनल स्पेस उसके साथ शेयर करने में कंफर्टेबल हो या नहीं. बात मेरी या काव्या की है ही नहीं, बात है मिस्टर शाह की. काव्या आपके साथ काम करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और फिर उनका गुस्सा
गुस्से में पता नहीं वो क्या क्या करेंगे। Have a seat. Thank you. Mr. Kapadia, I really want to work. In fact, I need to work. पर्सनल स्पेस में जो कुछ भी हुआ वो मेरे कंट्रोल के बाहर था, लेकिन मेरी प्रोफेशनल लाइफ मेरे कंट्रोल में है। आई प्रॉमिस कि मैं पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करूंगी। कैन यू गिव मी अ चांस प्लीज? इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद घर पर बैठे रहना है सो फ्रस्ट्रेटिंग। अपनी एबिलिटीज और सेल्फ वर्थ पे डाउट होने लगा है। आपने मुझे जॉब ऑफर दिया था, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आई वुड लाइक टू जॉइन यू मिस्टर कपाड़िया। मिसेस शाह, पिछले कुछ दिनों में मेरी पर्सनल स्पेस में जो कुछ भी हुआ है उससे एक सच नहीं बदला जा सकता, और वो ये कि आप इस जॉब के लिए डिजर्विंग हैं। पास में जो कुछ भी हुआ है मैं उसमें से कुछ भूलने को तैयार हूं, पर डोंट माइंड मिसेस शाह, आपके घर में एक डेली सोप चलता है और वो डेली सोप मैं यहाँ अपने ऑफिस में बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे लिए यहाँ पे दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, नंबर वन मेरा प्रोजेक्ट एंड नंबर टू मेरी पार्टनर। अगर आपके हस्बैंड की वजह से इन दोनों चीजों को यहाँ मेरे ऑफिस में जरा सी भी प्रॉब्लम हुई, दैट्स गोना बी योर लास्ट डे एट द जॉब। अगर आपको यहाँ काम करना है तो अपने हस्बैंड को यहाँ आकर तमाशा करने से रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। आई नो, इतना सब होने के बावजूद आप मुझे काम दे रहे हैं, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। डोंट बी थैंकफुल टू मी मिसेस शाह, ये जॉब मैं आपको नहीं दे रहा, मैंने फैसला अनुपमा पे छोड़ा था एंड शी सेड यस। तो जो लोग भी समझते हैं कि एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है और कभी दोस्त नहीं हो सकती, शायद वो लोग अनुपमा से नहीं मिले हैं। आपने पास में अनुपमा के साथ बुरा किया है या अच्छा, आई रियली डोंट नो, बट मैं इतना जरूर जानता हूं कि अनुपमा आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा करना चाहती है। उसने मुझसे कहा कि आप में बहुत टैलेंट है और ये अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। जस्ट रिमेंबर मिसेस शाह, मुझे इस ऑफिस में आपके घर का डेली सोप बिल्कुल नहीं चाहिए। अनुपमा सही कहती है, झगड़े सिर्फ घर पे ही सूट करते हैं, क्योंकि घर पे सिर्फ माहौल और मूड खराब होता है। अगर ऐसा कुछ भी यहाँ हुआ तो अनुपमा और मेरी रेपुटेशन, मेरे इस कंपनी का टाइम और पैसा, बहुत सारी औरतों की उम्मीदें और सपने, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका करियर, सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैंने आपको अपनी शर्तें बता दी हैं, अब जवाब देने की बारी आपकी है। अगर आपको वक्त चाहिए तो आप सोचने के लिए वक्त ले सकती हैं, आप मुझे कल तक बता। मेरा जवाब हाँ है। आई प्रॉमिस कि मेरे हस्बैंड के वजह से आपकी कंपनी, आपके प्रोजेक्ट और आपकी पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही अच्छा होगा हमारे लिए भी और उनके लिए भी। बेहतर यही होगा मिसेस शाह कि आप घर जाके अपने हस्बैंड को बिल्कुल सही तरीके से समझा दीजिए और खुद भी समझ लीजिए कि भूमि पूजन में उन्हें अनुज मिला था, अब अगर उन्होंने यहां आकर कोई तमाशा करने की कोशिश की तो उन्हें अनुज नहीं, अनुज कपाड़िया मिलेगा। ओके अनुज, सो इट्स सो फॉर यू। फर्स्ट नेम बेसिस सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए हैं और मेरे पार्टनर्स के लिए, नॉट फॉर एम्प्लॉयज। सॉरी सर। ऑन दैट नोट, वेलकम अबोर्ड मिसेस शाह। थैंक
यू सर. डोंट थैंक मी, थैंक अनुपमा. आपको ये जॉब मेरी वजह से नहीं बल्कि अनुपमा की वजह से मिली है. आई विल श्योरली. बधाई हो काव्या. थैंक्स अनुपमा. थैंक्स मुझे नहीं, अनुज से कहो. लेकिन ये थैंक्स तो तुम डिजर्व करती हो अनुपमा. अगर तुम चाहती तो मुझे इस जॉब पे अपॉइंट नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया. एक बार भी तुम्हारे मन में मुझे जॉब ना देने का ख्याल नहीं आया. पुरानी बातें याद नहीं आई? आई. याद आया कि जब अपना हक छिनता है तो कैसे लगता है. जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो अगर नहीं मिले तो कैसा लगता है. बस इसलिए फैसला किया कि जो तुम्हें मिलना चाहिए वो तुम्हें मिलेगा. लोग औरतों को हमेशा सौतन बने हुए, दुश्मन बने हुए, लड़ते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक औरतें लड़ती रहेंगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगी. औरतों को ये समझना चाहिए कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें एक दूसरे की टांग पकड़कर पीछे नहीं खींचनी है, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे खींचना है. वैसे आज तक हमारे बीच में जितना कुछ हुआ है उसके बाद अगर याददाश्त भी चली जाए तो अनुपमा को काव्या हमेशा याद रहेगी और काव्या को अनुपमा. ना तो दोस्ती हो सकती है और ना ही दोस्ती कर सकते हैं. पर चलो काम करके तो देख सकते हैं ना. थैंक्स अनुपमा. पता है अगर मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया और अगर मेरा मन करे कि मैं तुम पर बहुत जोर से चिल्लाऊं या तुम्हें डांटूं तो मैं क्या करूंगी? क्या? मैं वो दिन याद करूंगी जब तुम मिस्टर शाह की दोस्त बन के हमारे घर आया करती थी. जब तक मुझे तुम्हारा सच नहीं पता चला था तब तक तुमने मेरी कभी बेइज्जती नहीं की थी, मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की थी. तुम जाती तो इस गवार का मजाक उड़ा सकती थी, पर तुमने मुझे हमेशा वही इज्जत दी जो एक औरत को दूसरी औरत को देना चाहिए. एक बार तो तुम मेरे लिए लड़ी भी थी जब मुझे स्कूल में काम करना था. मिस्टर शाह से तक लड़ गई थी. समय के गुल्लक में जो उस वक्त तुमने डाला था वो अब काम आएगा. तुम अलग हो, तुम्हारी सोच अलग है, पर शायद तुम गलत नहीं हो. बस तुमसे एक विनती है, मेरी जैसी बहुत सारी औरतों की उम्मीदें, बहुत सारी औरतों के सपने हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, इन्हें टूटने मत देना और तोड़ना तो बिल्कुल भी मत. कुछ गलत मत करना प्लीज, कुछ गलत मत करना. तुम्हारी इज्जत करने की पहले से ही कितनी वजह है अनुपमा, तुम रोज एक नई वजह कैसे दे देती हो. आई होप वनराज तुम इस बार अनुपमा का रास्ता ना काटो, क्योंकि पार्टनरशिप की है तो अपनी पार्टनर पे कोई भी आंच नहीं आने दूंगा. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक. स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को.